78 कंट्रीज में अपनी मोटरसाइकिल्स भेजती है, 10 में से 8 मोटरसाइकिल जो वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो बजाज की होती है। पल्सर F250 N250 की अपार सफलता के बाद बजाज लेकर आई है N160। आज हम लोग ये बाइक रिव्यू करने वाले हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, चला के देखेंगे, इसका टेस्ट राइड करेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि बाइक कैसी है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में पुणे से, और यहाँ भी हो रही है बारिश। सबसे पहले बाइक के लुक्स की बात करते हैं। फ्रंट में आप देखोगे तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे इसके खूबसूरत प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और साथ में ये जो DRL दिए हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बीस्ट आपको देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। LED लैंप्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सामने ABS ड्यूअल चैनल की मार्किंग है, खूबसूरत डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा, और आप इसके मफलर देख सकते हो, ये मडगार्ड देख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश से लगते हैं। यहाँ पे आपको पल्सर की 3D ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे इंजन की बात करें, बाइक में सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट जो पल्सर 250 का है, लेकिन इंजन ऑल न्यू इंजन है। चेचिस पल्सर F250 का है, बट इंजन अपना नया है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है, नया पैटर्न पे पूरा इंजन का सिस्टम, इंक्लूडिंग जो एग्जॉस्ट है अंडरबेली एग्जॉस्ट, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और टायर्स की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच के टायर देखने को मिल जाएंगे। ग्रिप अच्छी लगी मुझे, ठीक ठाक लगी ग्रिप, अभी वेट कम कंडीशन में गीली सड़कों में मैंने चलाया तो भी मुझे ग्रिप ठीक लगी। यहाँ पर आपको N160 का ब्रांडिंग मिल जाएगा, बैचिंग मिल जाएगा, सेम पल्सर 250 N250 F250 की तरह आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लंबी सीट है, पिलन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है सीट। यहाँ पर आपको ये ग्रैब रेल्स मिल जाएंगे, देखने में खूबसूरत लगते हैं, किसी बुल के सिंग की तरह दिख रहे हैं ये। और पीछे ये आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये टायर हगर आपको मिल जाएगा। पीछे तरफ से आप लुक्स की बात करें तो देखने में एग्जैक्टली 250 की तरह है। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। और सस्पेंशन की बात करें तो पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। और अभी मैं इसको सड़कों पे जब चला रहा था तो पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ लगा मुझे, जो पैट होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, फील हो रहे थे, चिंता की कोई बात नहीं है, बट एक ये पॉइंट मुझे नज़र आया। बाइक के लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें तो लुक्स देखिए कितना खूबसूरत सा लगता है। 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलेगा यहाँ पे, अभी पल्सर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। इस तरफ पीछे आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। इसमें सब कुछ आपको पल्सर F250 का मिलता है, जैसे जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करी हुई है सेम टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिलती है, लेकिन यह कि स्मॉलर इंजन के साथ में। और स्मॉलर इंजन का फ़ायदा ये है कि आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा। पल्सर F250 N250 की बात करें तो वो ऑलमोस्ट लगभग 39 km/h का माइलेज देती है, तो ये 49 km/h का माइलेज देगी आपको। इसमें आपको 165 cc का इंजन देखने को मिल जाएगा, जो पावर प्रोड्यूस करती है 16 BHP का 8750 RPM पे। टॉर्क ये जनरेट करती है 14.7 Nm का, वो 65,000 RPM पे। ये सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल ABS के साथ में भी आती है, दो वेरिएंट में आती है। इसमें ऑयल कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, 154 kg का कर्व वेट है इस बाइक का, ये ABS वाली बाइक है। इस पर जो इसका सिंगल चैनल ABS वाला बाइक है वो है 152 kg का। ब्रेक्स की बात करें तो इसमें फ्रंट में आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिलता है, रियर डिस्क की बात करें तो 230 mm का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको इसमें सेम 250 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, पल्सर 250 का, और ये सेमी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। ये RPM मीटर है यहाँ पे जो एनालॉग है, इधर फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा, सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो सब इसमें मिलेगी। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, टाइम का भी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको रेंज भी देखने को मिल जाएगा, फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा, और सारे इंडिकेटर का स्विच है, न्यूट्रल का स्विच है, ABS का इंडिकेटर है, RPM लिमिट का भी इंडिकेटर है। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इंजन मेलफंक्शन से लेकर के आपका साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, बैटरी का इंडिकेटर है। सो जो बेसिक सारी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 देखने को मिल जाएगा, और भी इसमें आप कितने किलोमीटर की रेंज है वो भी आप देख सकते हो, साथ ही साथ इसमें रियल टाइम आप माइलेज भी देख सकते हो।
सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी तरह का कोई कनेक्टेड फीचर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी बाइक का। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आइडियलिंग पे ये कुछ इस तरह का सुनाई देता है। मैं एग्जॉस्ट के पास चले जाता हूँ क्योंकि माइक यहाँ पे लगा हुआ है, अंडर वैली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मैं रेव करता हूँ, आइडलिंग पे कुछ ऐसा साउंड है, और अगर रेव करते हैं तो देखिए कैसा वॉइस आएगा, कैसा एग्जॉस्ट आएगा। काफ़ी बेस से भरा हुआ एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने बाइक वाली कंपनियाँ हैं अपने एग्जॉस्ट का बड़ा ध्यान रख रही हैं, क्योंकि हम लोग जो बायर होते हैं हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जब हम लोग बाइक लें तो उसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही अच्छा हो। सो एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी अच्छा है। बाइक का पीक परफॉर्मेंस मुझे 3,500 से 8,500 RPM के बीच में महसूस हो रहा है। जो एक पल्सर ग्रंट की हम लोग बात करते हैं वो बाइक में फील हो रहा है, और सिटी परफॉर्मेंस, हैंडलिंग बढ़िया लग रहा है, ब्रेकिंग इज गुड। बाइक की जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा है नहीं बोलूँगा। पल्सर 250 को मैंने लगभग 1,000 किलोमीटर चलाया है पल्सर थ्रिलॉजी राइड में बनारस से गाजियाबाद तक, तो बाइक का जो सेटिंग पॉस्चर है वो एग्जैक्टली पल्सर N250 की तरह है। इस बाइक का डायरेक्ट कंपटीशन है TVS अपाचे 160 से, दोनों लगभग सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं। फीचर वाइज भी ये 19 BC है। अब तो समय ही बताएगा कि कौन सी बाइक आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैं तो आपको ये कहूँगा कि इन दोनों बाइक्स का आप टेस्ट राइड करो, और उसके बाद खुद डिसाइड करो कि कौन सी बाइक आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है। क्लच तो लाइट फील हो रहा है, गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ फील हो रही है, और वाइब्रेशंस की बात करूँ तो एज सच कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, हाई RPM पे आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन अपने फुटपैक पे महसूस हो सकता है। ओवरऑल देखें तो बाइक का NVH लेवल काफ़ी कम है। N250 में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी 250 में भी है, वो है इसके रियर व्यू मिरर काफ़ी बड़े साइज के हैं, और जो इसका ये वाला जो एंड है वो चौड़ा है, तो मैं पीछे का ट्रैफिक काफ़ी अच्छे से देख पा रहा हूँ। और हाई RPM में भी इसके मिरर्स में किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है। हेडलाइट देखते हैं, इंजन स्टार्ट करने के बाद ही इसका हेडलाइट चालू होता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बीस्ट है जो घूर रहा है आपको। तो ओवरऑल बाइक के परफॉर्मेंस की बात करें, लुक की बात करें, पैकेज की बात करें, जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, इसका एक मात्र काफ़ी बड़ा कंपटीशन है वो है TVS अपाचे 160 के साथ में। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है दोनों बाइक्स का टेस्ट राइड लेने के बाद कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लग रही है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है, ज़्यादा फीचर वाइज ज़्यादा रिच लग रही है। दोनों एक ही, क्योंकि प्राइस पॉइंट पे सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आते हैं। फीचर्स की बात करें तो 19 BC का अंतर है, कुछ फीचर्स अपाचे में ज़्यादा हैं, कुछ फीचर्स हमारे पल्सर 160 में ज़्यादा हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देने वाली है। फ़ायदा हमारा है, हम कंज्यूमर्स का फ़ायदा है, राइडर्स का फ़ायदा है, हमारे पास में ऑप्शन है कि हम चूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको आपसे गुजारिश करूँगा, आपके नियरेस्ट बजाज के शोरूम में जाइए, पल्सर का टेस्ट राइड लीजिए, और ख़ुद ही डिसाइड करिए कि आपको बाइक कैसी लगती है। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।